एक पुख्ता नाम है जो गांव से है, अब अच्छा, उसका नाम है विक्रम सनोफ शमशेर है। तो साथियों जो दनोदा गांव के 32 साल के लड़के की बड़नपुर नहर पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तो उस मामले में आगे क्या रहा है, किस प्रकार से प्रशासन ने आगे की जांच की है, तो मतलब पूर्व सरपंच है जो पुरुषोत्तम जी, वो बताएंगे तो क्या रहा सर आगे। आज का ये था कि जैसे कल ये घटना हुई थी तो कल तक तो ये था कि भाई हम पोस्टमार्टम ही नहीं करवाएंगे, राम राम की सलाह थी। तो आज फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, यहाँ प्रशासन का रवैया बड़ा पॉजिटिव रहा है। इन्होंने अब तक की जो तफ्तीश की है तो दो तीन नाम भी निकल के आए हैं, और जो नाम निकल के आए हैं बिल्कुल गैर समाजी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। तो प्रशासन ने अपना काम किया है, वो अलग बात है कि 100% नहीं हुआ। तो फिर यहाँ DSP साहब आए थे, SP साहब का भी मैसेज आया था, और उन्होंने जब पूरे गांव राम से बात करी कि भाई हमें हम भी आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, तो मिट्टी हो रही है, और रिश्तेदार और जो परिवार के लोग हैं वहाँ भी बुरा हाल है। तो उनका भी यही था कि भाई एक बार इस बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। तो 11 आदमियों की कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा फैसला लिया गया कि भाई प्रशासन को 48 घंटे का, क्योंकि ये DSP साहब तो कह रहे 24 घंटे में हम कर देंगे, लेकिन फिर भी ये था चलो आप 48 घंटे तक कोई चीज़ निकाल के लेके आओ, और निकाल के क्या लेके आना भाई, गिरफ्तार करो। और SIT बनाई गई है, DSP साहब की निगरानी में CIA है, सब हैं उसमें, जो हमारी मुख्यमंत्री है, SIT बने, पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है उसकी। और फिर यही था कि 48 घंटे का टाइम है, जब तक परिवार में भी थोड़ा सा देखना होता है, भाई दाह संस्कार करते हैं, 48 घंटे के बाद फिर पूरा गांव भी वही है और प्रशासन भी वही है। अब सर मतलब पोस्टमार्टम के लिए के बाद अंतिम संस्कार, हाँ बिल्कुल अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा पूरे गांव राम की, जो 11 आदमी कमेटी उसकी यही सलाह बनेगी। मतलब कितने लोग, कितने लड़कियों के नाम सामने आए सर? अभी तक वैसे तो अगर टोटल देखोगे आप तो लगभग 8 से 9 लोग हैं इसमें, भाई 4 तो दिखाई दे ही रहे हैं। हाँ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने उसको बुलाया, कई चीज़ें यानी गाड़ी में से बैठ के गए हैं गांव के कुछ, या एक दो हो सकता है गांव से भी इन्वॉल्व हो। तो भाई ये है कि पूरा 8-10 लोगों का नेटवर्क है, और पूरा प्री प्लान से किया गया है, और इसका कोई किसी से कोई बैर द्वेष नहीं था, ना इसकी कोई रंजिश थी, सिर्फ एक मतलब फुकरापंथी टाइप की बात कह लो आपकी, भाई मैं क्रिमिनल हूँ, या इस तरीके की मंशा से ये काम किया गया है। नहीं महिला वाली कोई ऐसी बात अभी तक हमारी जानकारी में आई नहीं वैसे। सर जो वारदात है वो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सब वारदात है, जो मतलब जो फायरिंग का इंसिडेंस है वो तो शायद अभी तक उस चीज़ की तो कोई चीज़ हमारे पास आई नहीं है, मे भी हो सकता है वो, लेकिन जैसे वो आए हैं जिधर से गए हैं वो सारी चीज़ें की CCTV फुटेज, और सबसे महत्वपूर्ण जो इस केस में चीज़ है कि गोली लगने के बाद सुशील ने खुद फ़ोन करके अपने भाई को बताया है कि इस आदमी है और ये लोग इन्होंने मुझे गोली मार दी, और उसके मतलब भाई 4 गोली लगने के बाद भी उसने मतलब इतनी हिम्मत करी है, उसके बाद फिर वो बेसुध हो गया। 4 गोलियां लगी? आ 4 हैं अभी एग्जैक्ट, तो पोस्टमार्टम में पता लगेगा 3 हैं 4 हैं, क्योंकि 2-3 के खोल थे वहाँ, तो सही तो पोस्टमार्टम से ही पता लगेगा कितनी लगी। तो वहाँ पे फिर बड़नपुर गांव वालों ने उठाया वहाँ से? हाँ फिर मौके से जैसे वो फ़ोन उसका चालू था तो किसी ने ले लिया, उसने फिर जैसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ इसको गोली मार दी है। और सर ये बताइए मतलब जो आप कह रहे हो कि 8-9 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो वो गांव से ही है या बाहर से? अभी जो एक पुख्ता नाम है जो गांव से है, अब उसका नाम है विक्रम सनोफ शमशेर है। हाँ बाकी तो उसकी भाई वो किस हम भाई सभी समाज के लोग हम बिन चाहते, क्योंकि बेवजह कोई परेशान हो किसी का नाम भी ले दें, ऐसी मनसा हमारी भी नहीं है। तो जैसे ही तस्दीक आगे बढ़ेगी, और 2 नाम आए हैं वो भी, तो जब पुलिस आगे, ने भी मतलब आरोपियों के नाम आए मौके से फरार? हाँ बिल्कुल फरार है, उसी के लिए हमारा ये था कि गाम राम का कि भाई जब तक कोई नहीं आ जाता, हिरासत में हो जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन चलो प्रशासन है भाई, करना तो इन्हीं को है, तो सबकी यही सलाह बनी भाई करना तो इन्हीं लोगों ने है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम दे के देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो कर दिया जाएगा, अंतिम संस्कार तो कर दिया जाएगा, लेकिन आगे अगर प्रशासन हाँ कार्रवाई नहीं करता तो गांव वाले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे गांव का रहा ही है, हमारे पूरे एरिया का ही है कि भाई अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए फिर सर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है? हाँ पोस्टमार्टम, तो साथियों फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, और अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर गांव वाला गांव पूरा का पूरा एक्शन लेगा, क्योंकि 48 घंटे का टाइम है वो प्रशासन को दिया गया है जाँच के लिए।